वेलकम, स्वागत है नई क्लास में। देखिए आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2024 जोन कैसे चुनना है, कौन से जोन से आपको फॉर्म फिल करना है, किस जोन में सबसे ज़्यादा फायदा रहेगा, नंबर एक पर कौन सा पोस्ट रखें, सबसे कम कंपटीशन वाले जोन के बारे में बात करूँगा, कुछ स्टूडेंट जिनकी तैयारी बहुत कम हो जाए तो उनके बारे में बात करूँगा कि कौन सा जोन आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है फॉर्म फिल करते हुए, इन सभी को हम चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बराबर बेल आइकन का निशान मिलेगा उसको प्रेस कर लें ताकि आप किसी भी नोटिफिकेशन से वंचित ना रह सकें। देखिए जैसा कि साथियों आपको पता है कुछ स्टूडेंट पीक लेवल के होते हैं। पीक लेवल का मतलब जैसे कि उन्होंने प्रीवियस ईयर्स में एनटीपीसी का एग्जाम दिया था लेकिन वह पॉइंट के कारण रह गए, पॉइंट के कारण रह जाते हैं तो वो तो देखिए किसी भी जॉन से फॉर्म फिल करें उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको इतना कॉन्फिडेंस अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वह किसी भी जॉन से फॉर्म फिल कर देंगे तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। कुछ स्टूडेंट यहाँ पर एवरेज लेवल के होते हैं और कुछ होते हैं बिलो लेवल के। एवरेज लेवल के स्टूडेंट वो होते हैं जिनकी तैयारी तो बहुत अच्छी होती है लेकिन कहीं ना कहीं वो पिछड़े हुए होते हैं, उनको पता होता है कि तैयारी तो हमारी बेस्ट है लेकिन उनके कोई टॉपिक क्लियर नहीं हो पाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, उनको पता होता है कि हमारी कहाँ पर कमजोरी है, तो वो होते हैं आपके एवरेज स्टूडेंट। बिलो लेवल के स्टूडेंट जिनकी तैयारी पूरी नहीं हो, उनकी तैयारी पूरी नहीं होती है, अभी हो सकता है कि 6 महीना या फिर 1-2 मंथ से उन्होंने तैयारी स्टार्ट की हो, तो वो बिलो एवरेज के स्टूडेंट कहलाते हैं। उनके जो मॉक टेस्ट में इतने अच्छे नंबर नहीं आ पाते हैं तो उनको पता होता है कि हम बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। तो देखिए पीक लेवल वाले स्टूडेंटों के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो पॉइंट के कारण रह गए, एनटीपीसी का एग्जाम दिया और बहुत ही कम मार्क्स के अंतर से वह वंचित रह जाते हैं, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो किसी भी जोन से फॉर्म फिल कर देंगे तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाला है। देखिए कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि सर हम तो बाद में फॉर्म फिल करेंगे जब हमको पता लग जाएगा कि कौन सा जोन सेफ रहने वाला है, तो देखिए वो भी अच्छा है कि आप बाद में फॉर्म फिल करें सब कुछ जानने के बाद, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको जो एवरेज है और आपका कम कॉम्पिटिशन वाले जोन हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए अगर आप घर में रहना चाहते हैं, आप अकेले हैं घर में, आपको होम डिस्ट्रिक्स में रहना है, तो देखिए आपको टॉप थ्री जोन वाले जो हैं यहाँ पर जोन फिल करने होंगे, ठीक है, जिसमें कि आपको अपना गृह जनपद मिल सकता है, ठीक है ना। सैलरी भले ही कम हो लेकिन जो आपको जो गृह जनपद मिलेगा तो आपको टॉप थ्री लेनी है। अब टॉप थ्री की बात करें तो टॉप थ्री में नंबर एक जो है वो है कोलकाता। कोलकाता की जो बात करेंगे स्टूडेंट यहाँ पर हम 628 UR वालों के लिए, 188 SC के लिए, ST के लिए 121, OBC के लिए 329, EWS के लिए 116 और टोटल है 1382। तो देखिए आपके लिए इसलिए बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा क्योंकि CVT 1 अगर आप पास होकर के CVT 2 में जाते हैं तो आपके लिए ये टॉप थ्री जोन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि साइकोलॉजी के अनुसार भी आपका माइंड तभी वर्क करता है जब आप CVT 1 क्वालिफाई करेंगे, तो CVT 2 जाने के लिए भी आपके दिन में एक दिलचस्पी रहने वाली है। तो सबसे पहले देखिए UR वाले सबसे नंबर एक वन में कोलकाता, नंबर दो में भुवनेश्वर और नंबर थ्री में मुंबई को अपना जोन बना लीजिए, ठीक है, अगर आप UR वाले हैं। इसी तरीके से ST वाले कोलकाता नंबर वन चॉइस रखेंगे, सेकंड नंबर मुंबई, तीसरा नंबर भुवनेश्वर और चौथा नंबर आप बिलासपुर भी इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से OBC की बात करें तो OBC के लिए भी कोलकाता अच्छा रहने वाला है, पहले नंबर को 329 हैं तो पहले नंबर पर कोलकाता लीजिए, दूसरे पर मुंबई लीजिए, तीसरे भुवनेश्वर और चौथे पर बिलासपुर, तो ये आपके टॉप थ्री जोन, ठीक है। टॉप थ्री जोन में आपका कोलकाता, भुवनेश्वर, मुंबई, ये आपके जो है टॉप थ्री जोन है। ज़्यादातर अगर आपको टॉप थ्री में ही आप फॉर्म अपना फिल करें तो अच्छा रहेगा, ठीक है, इससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मैं आपको साइकोलॉजी के अनुसार बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप जो टॉप थ्री वाले जोन यहाँ फिल कर लीजिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले नंबर पर कोलकाता जिसमें UR की 628 और SC की 188, ST की 121, OBC की 329, EWS की 116, टोटल जो है 1382। इसी के साथ मैंने आपको दूसरा नंबर बताया भुवनेश्वर में 328 पोस्टें आपकी UR की हैं, SC की 108, ST की 55, OBC की 119, EWS की 68 और टोटल पोस्टें जो है 758 पोस्टें रहने वाली हैं। तीसरा मैंने आपको बताया मुंबई में काफ़ी पोस्टें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने जोन सिलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि टॉप थ्री जोन सिलेक्ट करें आपके लिए तो बेहतरीन ऑप्शन रहने वाला है, ठीक है। जैसा कि एक मान लीजिए आपने कोलकाता फिल किया है, कोलकाता में 628 UR वालों के लिए, अब इसमें जो CVT 2 बुलाए जाएंगे तो इसके 15 गुनी बुलाए जाएंगे, तो 15 गुनी आप जोड़ ऐड कर सकते हैं कि 628 का 15 गुनी कितने स्टूडेंट हो, तो सर आप कहेंगे करीब 10,420 के लगभग स्टूडेंट आपके
CBT 2 में बुलाए जाएंगे। 628 का 15 गुना स्टूडेंट आपके CBT 2 में बुलाए जाएंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट अगर बात करें भुवनेश्वर की तो 328 की 15 गुने बुलाए जाएंगे। इस तरीके से आपका CBT 2 में बुलाए जाते हैं, जिससे कि आपका मनोबल बढ़ेगा। ठीक है, इस तरीके से आप समझ लीजिए कि टॉप 3 वाली जोन आप अभी फिल कर लीजिए। ठीक है, बाकी आप अपने माइंड से और सोच लीजिए। मैं तो यही कहूँगा कि आप जो है टॉप 3 जोन सेलेक्ट कर लीजिए, कोलकाता भुवनेश्वर मुंबई। UR वाले SC ST वाले कोलकाता मुंबई भुवनेश्वर बिलासपुर फिल कर लीजिए, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, इसके बाद भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। पूरा PDF मैंने आपके लिए लिंक प्रोवाइड कर दिया है, कमेंट कर दीजिए। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने पाएगी आपको, हम आपके सारे सॉल्यूशन देंगे। तो एक नेक्स्ट क्लास साथ मुलाकात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉच, थैंक यू फॉर सपोर्ट।